विश्वविद्यालय का जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय का जो एलमनी ग्रुप है, उसने उसका ये उसके जो कार्यक्रम की श्रृंखला होनी है जो अब तक 3 महीने का अभी तक डिसाइड हुआ है, उसमें उस श्रृंखला में दूसरा कार्यक्रम आज है। और आज का जो विषय है वो है कि संस्कृत भाषा का देश को बनाने में, देश के निर्माण में, और वो भी मॉडर्न इंडिया यानी कि जो आधुनिक भारत में, भारत देश के निर्माण में संस्कृत भाषा की क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जहां तक दोस्तों बात होती है संस्कृत की, तो ये विश्व की सबसे पुरानी भाषा है और यह भारत भूमि का पूरी दुनिया को दिया हुआ सबसे अनूठा, सबसे अनुपम उपहार है। अगर कोई ऐसी भाषा है जिसमें समाज और ब्रह्मांड का सबसे अधिक ज्ञान है, तो वो है संस्कृत। और इसमें हमें कहने में बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि विश्व की सबसे समृद्ध और सबसे ज्यादा भाषाएं जिस भाषा से निकली हैं वो है संस्कृत। एक और बात है संस्कृत के बारे में कि संस्कृत ना सिर्फ एक पुरानी बल्कि एक विशुद्ध भाषा है, बिल्कुल शुद्ध भाषा है और अत्यंत वैज्ञानिक भाषा है। और इसकी इतनी सारी खासियतें हैं, इसका जो ग्रामर है, चाहे महर्षि पाणिनि ने जो ग्रामर बनाया था और उससे पहले भी जो ग्रामर था, उसमें जिस तरह की बारीकियां हैं, उससे जब इस भाषा की हम व्याकरण सीख जाते हैं, इसके व्याकरण को समझ जाते हैं, तो हम पाते हैं कि इतनी ज्यादा वैज्ञानिक और इतनी ज्यादा अच्छी भाषा कोई दूसरी नहीं है। और एक और खासियत है संस्कृत की, आपने बाकी इस भाषाओं में देखा होगा, चाहे भले हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा हो, उन भाषाओं में किसी चीज के समानार्थक शब्द यानी कि सिनोनिम्स जो होते हैं वो 2, 3, 4, ज्यादा में ज्यादा 5। आपने भी जब आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तो कमल का आया आता होगा, कमल का वो सिनोनिम्स बताइए, समानार्थी शब्द बताइए, तो उसमें तोय, पंकज, कपंकज, तोयज और जलज ऐसे चीजें आती होंगी, लेकिन हमको तो सिर्फ 4-5 ही मालूम है, क्योंकि हमको परीक्षा पास करने के लिए उन 4 या 5 जो नाम होते थे कमल के वही मालूम है, इसलिए हमको हमें उसके बारे में नहीं मालूम है। लेकिन आप एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे बहुत जरूरी है देना कि सिर्फ पानी यानी कि जल, वाटर, पानी को, पानी तो उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द है जल, और उस जल जो शब्द है वो संस्कृत का भी शब्द है, हिंदी का भी शब्द है, उसके 70 सिनोनिम से 70 समानार्थक शब्द हैं। और वो शब्द इसलिए 70 समानार्थक शब्द हैं कि कहाँ पर उस जल का क्या उपयोग होगा वहां पर वो वाला शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, कहीं पर उस जल का कोई और उपयोग होगा तो वहां पर वो इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से 70 समानार्थक शब्द हैं एक सिर्फ जल के। एक और उदाहरण छोटा सा है, वो है हाथी। हाथी यानी गज, आपने सुना होगा गज बोलते हैं हाथी को, तो हाथी हिंदी का शब्द है, गज संस्कृत का शब्द है, और हाथी के 100 सिनोनिम्स हैं, जो इस अभी अपना ये जो लेक्चर है इसमें उन 100 सिनोनिम्स पे बात करना संभव नहीं होगा क्योंकि अपने पास समय की कमी रहती है, लेकिन एक हाथी जैसे सिंपल से शब्द के, साधारण से शब्द के हमारे पास 100 सिनोनिम्स हैं, 100 समानार्थक शब्द हैं संस्कृत में। यह है संस्कृत की समृद्धता। और संस्कृत के बारे में आप, संस्कृत सिर्फ भूतकाल की भाषा नहीं है, सिर्फ वर्तमान की भाषा नहीं है, संस्कृत फ्यूचर की भी भाषा है, यानी संस्कृत भविष्य की भाषा है। अब ऐसा जैसे ही हम कहेंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे संस्कृत में क्या रखा है, संस्कृत तो पूजा पाठ की भाषा है, संस्कृत तो वो भाषा है जो देवता लोग इस्तेमाल करते थे, और संस्कृत में तो सिर्फ कर्मकांड होता है, संस्कृत में तो सिर्फ वही चीजें होती हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर आप सब लोगों का, बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, और जिनको नहीं है उनके उनका ये वाला जो ये भ्रांति उनके मन में है उसको दूर करना आज के जो ये वो है, आज का जो अपना व्याख्यान है वो भी एक उद्देश्य है उस भ्रांति को दूर करना। तो जो संस्कृत है वह कैसे फ्यूचर की भाषा है, उसका छोटा सा उदाहरण है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि नासा ने अब से कुछ पहले, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो बहुत सारी अग्रणी कंपनियां हैं देश की, दुनिया की,
चाहे वो टिस्को हो गई, और बहुत सारी कंपनियां हैं, सब लोग जो रिसर्च में लगी हुई हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर पे, कंप्यूटर आधारित नई नई चीजें इनोवेशन करने में, उनका एक मानना है, उनका एक मत है कि सॉफ्टवेयर के लिए संस्कृत से अच्छी भाषा कोई हो ही नहीं सकती, ऐसा उनका मानना है। तो ऐसा क्यों है मानना, उसके उस पर हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा जो उपयुक्त भाषा किसी सॉफ्टवेयर के लिए है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी भाषा अगर कोई है तो वो है संस्कृत। और आजकल आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफी बातें चल रही हैं हर जगह कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, उसमें मशीन लर्निंग यानी कि मशीन को हम कैसे सिखाएंगे, कंप्यूटर कैसे हमारी बातें समझेगा, उसके बारे में जो है काफी बातें होती हैं। तो उस मशीन लर्निंग के बारे में जो उसमें भी कंप्यूटर की भाषा इसलिए अच्छी है, सॉरी संस्कृत भाषा इसलिए अच्छी है कि संस्कृत में जो उच्चारण है हर अक्षर का वैसा उच्चारण होता है, एक जैसा उच्चारण होगा और अलग उच्चारण होगा हर अक्षर का, और अक्षर के की जो आवाज निकलेगी, ध्वनि निकलेगी, वो भी अलग निकलेगी। और सॉफ्टवेयर के लिए दो अक्षरों के बीच में डिस्टिंग्विश करना यानी कि डिफ्रेंशिएट करना, यानी कि दोनों में दोनों के बारे में ये पता लगाना कि ये दोनों अलग अलग अक्षर हैं, वो संस्कृत में ही संभव है और किसी भाषा में संभव नहीं है। आगे अपन देखेंगे कि क्यों संभव नहीं है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आएगी कि अगर संस्कृत इतनी ही समृद्ध भाषा है, अगर संस्कृत इतनी ही अच्छी भाषा है, अगर संस्कृत इतनी ही वैज्ञानिक भाषा है, और वाकई संस्कृत में इतना कुछ है जितना आज के अभी तक के व्याख्यान में बताया गया, तो फिर संस्कृत इतनी पीछे क्यों है, संस्कृत की ये अवनति क्यों हुई है, संस्कृत का जो आज हाल है कि कुछ गांव तक ही सीमित रह गई है, कर पूरे देश में एक गांव है कर्नाटक में जहां पर संस्कृत बोली जाती है, संस्कृत में डेली जो उनकी दैनिक दिनचर्या होती है उसका जो है सब कुछ उसी में संस्कृत में होता है। तो आखिर ऐसा क्यों है, अगर इतनी अच्छी भाषा है तो आज संस्कृत तो पूरे में फैली होनी थी, और संस्कृत जब इतनी अच्छी भाषा है जिसको दुनिया के नासा जैसी संस्था मान रही है, तो भारत में क्यों हम संस्कृत पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों हमारे स्कूलों में संस्कृत पहली से नहीं पढ़ाई जाती है, क्यों हमारी बोलने की भाषा संस्कृत नहीं होती है, इन सब बातों पर आपके मन में भ्रांति आती होगी, आपके मन में ये सवाल आएगा कि ऐसा क्यों है, तो उसके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। अब आप सबने सुना होगा कि भारत को पर सिकंदर के समय से यानी कि 326 ईसा पूर्व यानी कि अब से लगभग 2300-2400 साल पहले से लगातार हमले हो रहे हैं, क्योंकि भारत जो है सोने की चिड़िया था, भारत में बहुत धन संपत्ति थी, अकूत संपदा थी, कोई किसी चीज की कमी नहीं थी, और उसी कारण से जो विदेशी आक्रांता होते थे वो भारत पर हमला करते थे और भारत पर हमला करके यहाँ की धन संपत्ति लूटने आते थे। शुरू में तो यह सिलसिला सिर्फ धन संपत्ति तक सीमित रहा और वहीं तक सीमित रहा कि यहाँ के पैसे लूट लें, यहाँ का सोना लूट लें, यहाँ के हीरे जवाहरात लूट लें, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे इन्वेडर्स भी आए, कुछ ऐसे आक्रांता भी आए जिनको ये लगा कि यहाँ पर राज किया जा सकता है, और इतनी समृद्ध जगह है, इतनी समृद्ध जो धरती है, इस पर अगर राज किया जाए तो यह ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि यहाँ से सिर्फ लूट के और अपने देश वापस जाए, क्योंकि उनके देशों में कुछ भी नहीं था, ढंग से ना खेती होती थी ना कुछ और चीजें होती थी, और जो भवन वगैरह जो भी लोग कहते हैं ना कि यहाँ का स्थापत्य है, मुगल स्थापत्य है या फिर पर्शियन स्थापत्य है, तो आप पर्शिया जाके देख लीजिए, आप जो जितने अरब जाके देख लीजिए, आप मिडल ईस्ट में देख लीजिए, आपको कौन सी ऐसी बिल्डिंग मिलेगी उस जमाने की, आज से अगर 1000 साल पुरानी भी कोई अच्छी बिल्डिंग मिल जाए, भवन मिल जाए, तो हम मानेंगे कि हाँ वहां पर इस तरह का ज्ञान था, इस तरह का उनके पास नॉलेज थी, लेकिन आज का अपना विषय वो नहीं है। इसलिए आज का विषय ये है कि हमारे यहाँ पे नालंदा पर, जो नालंदा और तक्षशिला अपने यहाँ के अपने देश के दो बहुत बड़े विश्वविद्यालय थे जिसमें पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, पूरी दुनिया से स्कॉलर्स पढ़ने आते थे, और उसके अलावा तीन विश्वविद्यालय और थे, टोटल सात थे, लेकिन नालंदा और तक्षशिला का नाम बहुत बड़ा है, और आज भी जब भी एक आपने अगर केंद्रीय विद्यालय में आप में से कोई पढ़ा हो तो केंद्रीय विद्यालय का एक स्कूल गीत है जिसमें हम कहते हैं
तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौटकर आएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव एक दिन वापस आएगा। ये गीत है उस केंद्रीय विद्यालय का, जो एक समूह गीत है, तो उसमें हम गाते हैं। तो तक्षशिला नालंदा का, ये तक्षशिला नालंदा की स्थिति थी हमारे यहाँ पे। अब बख्तियार खिलजी नाम का एक शासक, एक आक्रांता था, जो मुगल आक्रांता था, वो आया और वो लगातार पंजाब से घुसा और लगातार छोटे छोटे राज्य थे आपस में लड़ रहे थे, हमको जीतता हुआ वो पहुंच गया नालंदा, जो वर्तमान बिहार है वहां पहुंच गया। और एक घटना बहुत लंबी है कि उसने नालंदा पर क्यों हमला किया, उस पर नहीं जाएंगे हम आज, क्योंकि आज का विषय अपना उससे रिलेटेड नहीं है। पर उसने क्या किया कि उसने एकदम से नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया, और जितने वह आचार्य लोग थे, टीचर्स थे, 10,000 स्टूडेंट्स थे उस समय, और लगभग 1,000 टीचर्स थे, तो अधिकतरों को या तो मार दिया या फिर भाग गए वो लोग, जान बचाकर चले गए। और उसके बाद उसने किताबों को जलाना शुरू किया। वहाँ का जो ज्ञान का भंडार था, वो जो पुस्तकें थी, वो जो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स थे, बहुत सारे हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, उनको जलाना शुरू किया। और ऐसा बताया जाता है इतिहास में कि 3 महीने तक वो किताबों को जलाया गया, तब वो किताबें खत्म हुई थी। यह हुआ कहाँ? यह नालंदा में हुआ। तक्षशिला में भी ऐसे बहुत सारे अरब से और मिडल ईस्ट से, और वर्तमान जो ईरान है वहां से जो आक्रांता थे वे आए, और उन्होंने तक्षशिला को भी बुरे तरीके से बर्बाद किया, लूटा और उसे नेस्तनाबूद किया, जलाया, और जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता था वह नुकसान उन्होंने तक्षशिला को भी पहुंचाया। तो ये तो तक्षशिला और नालंदा के बारे में बात है। इसी तरह से जो बाकी विश्वविद्यालय थे उनको भी ध्वस्त किया गया, और महीने लगे उनको, उन किताबों को, उन जो पांडुलिपियां थी, जो ताम्रपत्र थे, उनको जलाने में, उनको खत्म करने में, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि यह ज्ञान इस देश में रह जाए। उन्हें मालूम था कि जब तक यह ज्ञान यहाँ रहेगा, तब तक इस देश पर हम परमानेंट शासक नहीं बन सकते हैं, जो जिसे कहना चाहिए कि परमानेंट रूलर नहीं बन सकते हैं। इस कारण से उन लोगों ने ऐसा किया। लेकिन देखने की बात यह है कि 1947 में कुछ और हुआ। 1947 में हमारा देश ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत अंग्रेज शासक चले गए और भारत के लोगों के हाथ में शासन आ गया। और उस समय इससे पहले विदेशी आक्रांता थे, उसके बाद इसी धरती से दो अलग अलग पंथ उभरे, उन्होंने भी काफी नुकसान किया सनातन इस संस्कृति का, अलग अलग तरीके से, सिर्फ सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, सिर्फ अपना मत ज्यादा महान है, अपना पंथ ज्यादा महान है, उसके लिए ऐसा किया। और उसके बाद आई बारी आई वामपंथियों की, जिन्होंने पूरे तरीके से इतिहास को बदल के रख दिया। जितनी अच्छी बातें थी हमारी, जितनी ऐसी बातें थी जिन बातों पर एक हर भारतीय को गर्व हो सकता है, उन सब बातों को उन्होंने हटा दिया इतिहास के उन पन्नों में से, और सिर्फ वही मामले या वही घटनाएं, वही चीजें रखी जिनसे कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा फील हो कि हम लोग कमजोर थे और हम अपने दुश्मनों से लड़ नहीं पाए, हमने हथियार डाल दिए और हम लोग उनसे हार गए। इसी तरह की बातें इतिहास में भरी गई। और वामपंथियों के बाद अब आज की स्थिति है, जो जो आज का भारत है, आज के भारत में भी उस तरह के तत्व वैसे के वैसे ही हैं। और इनके पीछे जो प्रेरणा है, जो इनके साथ में जो ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इनको विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग होती है सिर्फ इसी बात के लिए कि जो भारत का इतिहास है, जो भारत का ज्ञान है उसका, और जो भारत की ताकत है, हमारे जो बड़े बड़े महावीर से शूरवीर थे, उनके ज्ञान के बारे में, उनके इतिहास के बारे में हमारे आज की पीढ़ी को मालूम पता ना चल जाए, क्योंकि अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो उनका स्वाभिमान जाग जाएगा, और उनका स्वाभिमान जागेगा तो फिर विदेशी विचार, विदेशी, ध्यान रखिए, विदेशी लोगों का शासन भी उतना ही खतरनाक है जितना विदेशी विचारधारा वालों का शासन खतरनाक होता है। तो ऐसे सब लोग जिनकी चमड़ी तो हमारे आपके जैसी है, लेकिन उनके दिमाग गोरों जैसे हैं, उनके दिमाग अंग्रेजों जैसे हैं, उनके दिमाग वैसे ही है, वे सनातन संस्कृति को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगर इस तरह जो अब इस तरह के एलिमेंट्स आज भी हमारे देश में मौजूद हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर उनका अलग अलग जो बौद्धिक संस्थान है, जहां से
बौद्धिक संपदा को गवर्न किया जाता है, जहां से बौद्धिक संपदा को डायरेक्ट किया जाता है, ऐसे सारे संस्थानों पर आज भी उनका कब्जा है। अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, तो आप देख रहे होंगे जैसे ही परिवर्तन आता है तो वे कहते हैं शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। भगवाकरण नहीं हो रहा है, शिक्षा में जितने भी उल्टे सीधे कलर डाले गए थे उन कलरों को निकाल कर शिक्षा सिर्फ इतिहास तो सिर्फ प्योर इतिहास रहेगा, ऐसा ऐसी कोशिश की जा रही है। अभी आजकल जो लोग कर रहे हैं, जो विद्वान इस काम में लगे हैं, दिन रात निरंतर ऐसे सैकड़ों विद्वान हैं जो अपना ज्ञान और अपना जो भी उनके पास दर्शन है उसका इस्तेमाल करके वो इस पूरे सिस्टम को सही करने में लगे हैं। अब हम देखेंगे कि संस्कृत और सनातन को नुकसान पहुंचाने और खत्म करने में का षड्यंत्र जो है वो तो क्राइस्ट से पहले से चल रहा है। हमने देखा सिकंदर भी आया था, उसने भी काफी कुछ यही किया, उसको भी पसंद नहीं आई ये बात कि यहाँ लोग इतने ज्ञानी क्यों हैं, तो सिकंदर ने भी अपनी पूरी कोशिश की थी और उसके बाद सिकंदर हार गया, जब चला गया यहाँ से। सेल्यूकस निकेटर काफी समय लगा रहा अफगानिस्तान के पास, उसने अपना डेरा डाल के रखा और लगातार उनकी कोशिश ये थी कैसे यहाँ का जो कल्चर है इसको भ्रष्ट किया जाए, कैसे यहाँ का जो सभ्यता है, संस्कृति है, ज्ञान है, यहाँ का जो सामर्थ्य है उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे इन लोगों को यह एहसास कराया जाए, कैसे इन लोगों को यह बोध कराया जाए कि आप लोग हारे हुए लोगों की संतानें हैं, आप लोग उन लोगों की संतानें हैं जो छोटी छोटी सेनाओं से बड़ी सेनाएं होते हुए भी हार गए, और आप वो लोग हो जो आपस में भाई भाई से लड़ रहा था। भाई भाई से मतलब आसपास के राज्य जो होते भाई भाई होते थे, भाई भाई से लड़ रहे थे और आपको एक या एक सूत्र में डाला, अगर किसी ने एक सूत्र में डाला है तो वे विदेशी आक्रांता हैं जो उस समय राज कर रहे हैं, राज कर रहे थे। तो यह हमारे मन में बातें बार बार डाली गई। लेकिन जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, मतलब सिकंदर के समय से जो शुरुआत हुई, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मीर कासम ने, जो अफगानिस्तान प्रेजेंट डेज अफगानिस्तान है, उस समय कंधार था, उस समय कुछ और था, वहां के राजा थे दाहिर सिंह। सबसे पहले दाहिर सिंह को पराजित किया और वहां की जो संस्कृति थी, वहां की सभ्यता थी, वहां के जो धार्मिक हमारे जो चिन्ह हैं उन सबको खत्म किया गया, चाहे वो मंदिरों के रूप में हो, चाहे वो आश्रमों के रूप में हो, चाहे वो गुरुकुलों के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उनको खत्म किया गया और उनको नेस्त नाबूद किया गया सिर्फ एक ही उद्देश्य से कि किसी भी हालत किसी भी तरीके से यहाँ के लोग यह भूल जाए, क्योंकि एक 30-40 साल बाद का जो समय, एक या दो पीढ़ियां निकल जाती हैं, फिर लोग पुरानी बातें भूल जाते हैं, फिर सिर्फ वही जो नैरेटिव समाज में चलते रहते हैं वही उन्हें याद रहते हैं, और यही सोचकर उन लोगों ने ऐसा किया। अब हम देखेंगे कि मीर कासिम के बाद कौन कौन आए थे। महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गौरी आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, बख्तियार खिलजी, बाबर, अकबर, औरंगजेब, उसके बाद अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने जो नुकसान किया वो बाबर भी नहीं कर पाया, वो बख्तियार खिलजी भी नहीं कर पाया। उसने ये किया कि अंग्रेजों ने जब 1857 की, जो 1857 की जो क्रांति हुई, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, यानी कि स्वतंत्रता की पहली क्रांति, जिसको अंग्रेज कहते हैं म्यूटिनी, मिलिट्री म्यूटिनी, यानी कि विद्रोह, सैन्य विद्रोह था। तो उस जो क्रांति हुई, उस क्रांति से अंग्रेज का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी सत्ता काफी बुरे तरीके से हिल गई और ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता का हस्तांतरण हो गया ब्रिटिश एम्पायर के अंडर, ब्रिटिश मोनार्ची, यानी कि जो क्वीन थी, अब क्वीन के अंडर आ गया भारत। तो क्वीन ने दो अलग अलग कमीशन अपॉइंट किए, दो अलग अलग आयोग बनाए, और उसमें से एक था लॉर्ड मैकॉले। मैकॉले को उन्होंने भेजा कि आप जाओ पूरे पूरे भारत को स्टडी करो और आप हमें ये रिपोर्ट दो कि आखिर क्या ऐसा तरीका करा जा सकता है जिससे कि हम इस देश पर चिर स्थायी रूप से शासन कर सके, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए शासन कर सके। लॉर्ड मैकॉले ने, बहुत विद्वान इंसान थे, उन्होंने पूरे इस देश का भ्रमण किया, हर छोटी बड़ी जगहों पे गए, गांवों में गए, शहरों में गए और हर जगह गए, और जाकर जब उन्होंने देखा तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट क्वीन को दी, उस रिपोर्ट में उन्होंने जो बोला वो यह था कि भारत में इस समय 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल चल रहे हैं और ये गुरुकुल जो है जी
ये भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय जो चिंतन है, उस चिंतन को लगातार पोषक पोषित करते रहते हैं लोगों को, यहाँ की जनरेशंस को। और इसी, जब तक यह चिंतन रहेगा, जब तक यह पोषण रहेगा, इस देश के लोग बार बार उठते रहेंगे, बार बार क्रांतियां होंगी और बार बार हमले होंगे। और अगर हमें इस चीज से बचना है तो आप किसी भी हालत में सबसे पहले हमें गुरुकुल हटाने पड़ेंगे और इसकी जगह पे हमें कॉन्वेंट आधारित एजुकेशन बनानी पड़ेगी, जो कि जैसी इंग्लैंड में थी उस तरह की एक एजुकेशन का सिस्टम था, जिसे जिसे कॉन्वेंट एजुकेशन सिस्टम कहा गया। तो उस एजुकेशन सिस्टम को जो है उन लोगों ने, लॉर्ड मैकॉले ने, फिर उसके बाद लॉर्ड मैकॉले ने, आप कहीं देखेंगे आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा कि लॉर्ड मैकॉले ने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश संसद में जो अपना भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने जो एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया है, इससे जब इससे पढ़ के जो लोग निकलेंगे तो चमड़ी तो उनकी काली ही होगी लेकिन उनके दिमाग गोरे होंगे, यानी हम जो चाहते हैं वो सोचेंगे, हम जो चाहते हैं वो करेंगे, और वो उसी में प्राउड फील करेंगे कि हम अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं, ना कि, और वो कभी अपनी जो खुद की संस्कृति है उसके प्रति उनका प्यार नहीं रहेगा, उसके प्रति उनका जरा सा भी समर्पण नहीं रहेगा, ऐसा लॉर्ड मैकॉले ने उस भाषण में बोला था। और वो अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाकया है, अगर इसको हम लोग पढ़ लें, समझ लें, तो हम समझ जाएंगे किस तरह से क्यों हमारी नुकसान हुआ और क्यों क्या क्या दिक्कतें आई। अब उस समय ऐसा उसने क्यों कहा होगा कि उस समय की जो यूनिवर्सिटीज थी, उस समय का जो विश्वविद्यालय थे, उनमें विज्ञान, टेक्नोलॉजी, दर्शन, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी जो है इतनी उन्नत स्थिति की थी कि आप उसके बारे में अपन अभी आगे देखेंगे कि साइंस हमारी कितनी उन्नत थी, कितनी जबरदस्त थी, कि उसके कारण से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लोग कोई थे तो वो भारतीय थे। और फिर क्या हुआ, लॉर्ड मैकॉले की रिपोर्ट के बाद गुरुकुलों को बंद, एक एक्ट आया, एजुकेशन के पे एक कानून लाए अंग्रेज, उन्होंने पास किया और उन्होंने कॉन्वेंट गुरुकुलों को बंद कर दिया, गुरुकुलों को इलीगल घोषित कर दिया। और जाहिर है जब स्टेट किसी चीज के पीछे लग जाती है, जब स्टेट का एक एजेंडा होता है, तो उस समय उसमें उसका पूरा होना तय होता है लगभग। तो वही हुआ, कॉन्वेंट एजुकेशन शुरू की हो गई अपने देश में। और इस बात, इन सारी बातों से आप समझ गए होंगे, चाहे वो हमले हुए, चाहे कॉन्वेंट हो गया, चाहे मैकॉले हो गया, इससे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, क्यों संस्कृत की अवनति हुई, जो अपन ने अभी एक सवाल उठाया था, उस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी था। अब हम एक और चीज देखेंगे कि उसी दौरान संस्कृत में ज्ञान का भंडार जो था वो देश से बाहर चला गया, और जो उस समय अंग्रेज थे, उस समय जर्मन्स थे, उस समय फ्रेंच लोग थे, उस समय ऑस्ट्रेलियन लोग थे, वो लोग हमारे यहाँ की जो किताबें थीं, हमारे यहाँ की जो वेद और बहुत सारी किताब, वेद और पुराणों के अलावा भी हमारी बहुत सारी किताबें थी विज्ञान विज्ञान की, उन सबको ले गए, अपने यहाँ से विद्वान ले गए, उनसे ट्रांसलेशन करवाया, उनको अपनी अपनी भाषाओं में उन्हें ट्रांसलेट किया, और उस कारण से ही आज जो वेस्ट है, जो पश्चिम है, साइंस में, विज्ञान में इतना उन्नत है। अब हम देखेंगे कि वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक, ये बैकग्राउंड इसलिए बताना जरूरी था आप लोगों को क्योंकि ये सवाल सबके मन में उठता है, क्योंकि कई बार हम किसी बड़े बड़े संस्थानों में जब संस्कृत में बोलने जाते हैं तो पहले 15-20 मिनट इसी में जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर सब कुछ आप ये कह रहे हो सही है तो फिर क्यों ये हाल है संस्कृत का, तो ये उसका बैकग्राउंड है क्यों संस्कृत का बुरा हाल है। अब हम देखते हैं कि वापस अपने टॉपिक पर आएंगे तो संस्कृत में 16 वॉवल्स होते हैं और 36 कंपोनेंट्स होते हैं। 16 वॉवल्स यानी 16 स्वर होते हैं और 36 कंपोनेंट्स यानी 36 व्यंजन होते हैं, और हर अक्षर की, हर स्वर की, हर व्यंजन की अपनी अलग आवाज है और अपना अलग उसका जो है उच्चारण है। यही कारण है कि यह इंग्लिश या अन्य किसी भी भाषा से बिल्कुल अलग है। अंग्रेजी में आपने देखा होगा नाइफ, चाकू, तो KNIFE, तो के कहते हैं वो, के जो है साइलेंट हो गया, तो क्यों साइलेंट हो गया, देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस फॉर कीपिंग दैट के साइलेंट, उस के को साइलेंट करने के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है अंग्रेजी के पास, बस वो कर दिया नाइफ, जैसे वो था नाइफ हो गया, और एक था नाइट, KNIGHT, जो अंग्रेजों के जो वो होते थे अंग्रेजों के जमाने में जो
एक तरह से जागीरदार जैसे अपने होते थे वैसे नाइट होते थे, नॉक जो हम दरवाजे पे नॉक करते हैं, तो इन सब में के को उन्होंने साइलेंट कर दिया बिना किसी वैज्ञानिक आधार के। लेकिन संस्कृत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, संस्कृत में हर चीज के पीछे एक जबरदस्त आधार होता है और उस आधार के कारण ही संस्कृत में कभी गड़बड़ी नहीं होती है। संस्कृत का उच्चारण, अगर वो केरला में बैठा हुआ है एक ब्राह्मण, आप केरल में आप अगर आप किसी भी बीच पे चले जाएं, वहां पर अगर समझ लीजिए आप इसमें षणमुगम बीच पे जाते हैं त्रिवेंद्रम में और वहां पर पूजा पाठ चल रही है, तो वहां पर जो ब्राह्मण जो पुजारी है संस्कृत के श्लोक पढ़ रहा होगा, और जो आप कश्मीर में चले जाएंगे वहां पर जो श्लोक पढ़ रहा होगा, आप असम में चले जाएंगे और गुजरात में जहां भी जाएंगे या नर्मदा किनारे जाएंगे, तो वो श्लोक का उच्चारण एक जैसे ही होगा। अगर गायत्री मंत्र ओम भूर भुवः स्वः है तो ओम भूर भुवः स्वः ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि असमिया कुछ और बोलेगा, केरला वाला कुछ और बोलेगा, गुजरात वाला कुछ और बोलेगा और कश्मीर वाला कुछ और बोलेगा। तो ये है संस्कृत की सबसे बड़ी खासियत, कुछ भी चेंज नहीं होते हैं। व्याकरण बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही सीधी सीधी सच्ची है, और कहीं भी आपको कुछ ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे के साइलेंट होगा, वहां साइलेंट होता ही नहीं है, साइलेंट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, होगी तो वो स्पेसिफाइड होगी, पहले से व्याकरण में लिखा होगा। अब एक और बात है कि संस्कृत में हर वर्ब के 90 प्रकार होते हैं, हर क्रिया के 90 टाइप की क्रियाएं होती हैं, 90 टाइप के वर्ब होते हैं, और 21 प्रकार के नाउन और प्रोनाउन होते हैं, 21 प्रकार के संज्ञा और उपनाम होते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी बात है, कहाँ पर कौन सी संज्ञा इस्तेमाल करनी है, कहाँ पर कौन सा उपनाम इस्तेमाल करना है, कहाँ पर कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है, यह सब डिपेंड करता है कि कहाँ पे कैसा हमारा रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से वो वाला शब्द इस्तेमाल वहां पर होगा। और जैसी संस्कृत बनी थी शुरू में, तब जो व्याकरण थी, उसके बाद जो महर्षि पाणिनि ने बहुत ही विस्तृत व्याकरण बनाई है, उतनी अच्छी व्याकरण पूरी दुनिया में कोई आज तक नहीं लिख पाया वैसी व्याकरण की किताब, तो वो जो महर्षि पाणिनि ने लिखी थी आज भी वैसी की वैसी है, हजारों साल के बाद भी वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब संस्कृत हमारे देश को कैसे जोड़ सकती है, देखिए हमारे देश में उन्नति के पीछे जो कुछ कारण है वो है कि हमारे आपस में बीच में बहुत सारे अलग अलग विषयों पर हमारे झगड़े होते हैं, हम लोग लड़ते हैं छोटी छोटी बातों पर, चाहे वो भाषा हो चाहे और अलग बहुत सारे भाषा है हमारा अपना अपना, कोई कह रहा है मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ, कोई कह रहा है मैं तराई का रहने वाला हूँ, कोई कह रहा है मैं नर्मदा किनारे का रहने वाला हूँ, कोई समुद्र किनारे का, तो हम इसमें रहने की रहवास पे भी हमारे झगड़े होते हैं। आप अंग्रेजी में बोलेंगे तुरंत बिठाल के ले जाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर उसको वो हिंदी समझ में भी आ रही है तो भी वो आपको नहीं बिठा लेगा टैक्सी में, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके प्रदेश में हिंदी बोली जाए। तो ऐसा आप लोग कभी भी अगर चेन्नई जाएंगे तो आप अगर बहुत सारे लोग शंकर नेत्रालय है वहां पर आंखों का एक हॉस्पिटल वहां जाते हैं, वो लोग अपने अनुभव बताते हैं कि हमने उसको बोला उसको समझ में आ गया था फिर भी वो नहीं माना, आप उसको कोई अभद्र भाषा इस्तेमाल करके देख लीजिए तुरंत लड़ लेगा, इसका मतलब उसको हिंदी समझ में आती है पर वो हिंदी बोलना नहीं चाहता। एक अब एक और बात थी कि अब चूंकि 30 मिनट हो चुके हैं और शायद 40 मिनट में खत्म करना है ऐसा डॉक्टर साहब ने बोला था, तो अब हम देखेंगे कि संस्कृत ने इस दुनिया को क्या-क्या दिया है। आप में से किसी ने महर्षि सुश्रुत का नाम सबने सुना होगा, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी, और महर्षि सुश्रुत लगभग 3000 से भी ज्यादा BC, मतलब आज के 2200 साल ये और 3000 वो, 5 साढ़े 5 हजार साल पहले हुए हैं, और उस समय उनकी साइंस इतनी डेवलप्ड थी कि जो सुश्रुत संहिता उन्होंने लिखी है उसमें सर्जरी के बारे में लिखा है, उन्होंने उस समय प्लास्टिक सर्जरी करी थी, प्लास्टिक सर्जरी की है, और उन्होंने ब्रेन की सर्जरी की है, उन्होंने कई ऐसी जटिल शल्य क्रियाएं जटिल सर्जरी की हैं जिसके कारण उनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। और यहाँ आप जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं यहाँ पर जो स्कॉलर जुड़े हैं उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि फादर ऑफ सर्जरी उनको ऐसा नहीं है कि भारत के किसी व्यक्ति ने कहा है, ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल यूनिवर्सिटी है सिडनी में, उसमें मेडिकल यूनिवर्सिटी के गेट पर एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी है महर्षि सुश्रुत की, और उस पर उनका नाम लिखा है, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी है और नीचे लिखा है फादर ऑफ सर्जरी।
तो फादर ऑफ सर्जरी ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं इसलिए, पूरी दुनिया कह रही है इसलिए वो फादर ऑफ सर्जरी है। ये तो हो गए महर्षि सुश्रुत। उसके बाद हम देखते हैं महर्षि पाणिनि, जिनके बारे में भी बात हो ही चुकी है, जिनके मुकाबले की ग्रामर आज तक किसी भी भाषा में कोई ग्रामर नहीं लिख पाया। महर्षि चरक, जो कि केमिस्ट्री जो होती है, रसायन शास्त्र जो होता है, और उसमें भी जो मेडिकल रसायन होते हैं, इस पर जो चरक संहिता उन्होंने लिखी है, अगर आप लोग कभी पढ़ेंगे, आप संस्कृत समझिए, नहीं तो आप हिंदी में भी आने लगा है वो, अंग्रेजी में भी कुछ लोगों ने अनुवाद किया है उसका, तो आप जब चरक संहिता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो लैब टेस्ट हुआ करते थे, कैसे क्या क्या चीजें जो हम आज हम अब जाके पिछले 500 सालों में देख रहे हैं मॉडर्न साइंस में, वो महर्षि चरक ने हजारों साल पहले वो सारे के सारे फॉर्मूले बना दिए थे। बस अंतर ये था कि जो अपनी बात हुई कि सारे का सारा जो हमारा ज्ञान था, जो हमारा इतिहास था, उसको डुबो दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, ताकि हमारा वो ज्ञान हम हमारे लोगों को पता ना चले। उसके बाद एक हुए महर्षि पतंजलि, जिन्होंने आपने सुना होगा पतंजलि योग पीठ, हालांकि ये बाबा रामदेव का है ये, लेकिन पतंजलि के नाम पर उन्होंने किया है, क्योंकि पतंजलि योग के ऐसे मास्टर थे। योगा मीन्स ऐसी मेडिकल साइंस जो बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के, आपकी चीजों का, आपकी बीमारियों का इलाज करे, और वो भी सिंपल कुछ आसनों से शरीर को अलग अलग तरीके से मोड़ने पे, अलग अलग तरीके से बैठने में, लेटने में, खड़े होने में, और विभिन्न यौगिक क्रियाएं जो उन्होंने लिखी हैं महर्षि पतंजलि ने। तो उस महर्षि पतंजलि ने भी जो उनकी जो किताब लिखी है, अगर उसको भी आप देखेंगे, वो भी काफी पहले लिखी गई है, जब हमारे जो जितने भी जो लोग आज मॉडर्न साइंस के अपने आप को प्रणेता मानते हैं, जो लोग आज अपने आप को वेस्ट के लोग ये कहते हैं कि साइंस हमारे से है, और हमारे यहाँ के जो वामपंथी लोग भी ये मानते हैं कि जितनी भी साइंस है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आई है, तो उनको ये जान लेना चाहिए कि जिस समय ये महर्षि पतंजलि और इन लोगों ने अपनी किताबें लिख के पूरी रिसर्च पूरी कर ली थी और किताबें छप गई थी, इनकी पांडुलिपियां बन गई थी, उस समय वो वेस्ट के लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे, पत्ते ओढ़ के रहते थे, और हम उस समय हमारी साइंस इतनी डेवलप हो चुकी थी। फिर आप में से किसी ने महर्षि भारद्वाज का नाम पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, पर महर्षि भारद्वाज ने लगभग, वो भी हजारों साल पहले, उन्होंने लगभग 2200-2300 साल पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था विमान शास्त्र। उस विमान शास्त्र में कैसे विमान बनता है, विमान की टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए, और कितने तरह के विमान होते हैं, और कितने विमान ऐसे होते हैं जो वायुमंडल में ही चलेंगे, और ऐसे भी विमानों के बारे में लिखा है जो वायुमंडल से बाहर जाएंगे, यानी कि स्पेस शटल, जिस स्पेस शटल की अभी पिछले 30-40 सालों में हम लोग देखने में लगे हैं और हमको समझ में आ रहा है, इस स्पेस शटल के बारे में विमान शास्त्र में महर्षि भारद्वाज के हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। और उसमें यह भी लिखा है कि जब विमान चल रहा होगा तो उल्काएं, यानी कि मीटियर से कैसे बचाएंगे उसको, वायु का जो अंतर आता है, वायु का दबाव होता है, वो कैसे मेंटेन करना है उस हवाई जहाज के अंदर, और कैसे उस हवाई जहाज को अदृश्य, स्टिल्थ सुना होगा आपने, अभी अभी एक आया है STEALTH, स्टिल्थ वेपन्स, वो प्लेन जो रडार होता है मिलिट्री का लगा होता है हर देश का, बाद आर्यभट्ट का नाम आप सबने सुना होगा, आर्यभट्ट ने एस्ट्रोनॉमी पे जो काम किया है, आर्यभट्ट ने जो खगोल शास्त्र जिसे कहते हैं, जिसपे सूरज चांद तारे इन पे और जितने ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, गैलेक्सीज होती हैं, क्या जो वर्तमान ज्योतिष है इसको यहाँ तक पहुंचाने में उनका काफी बड़ा योगदान है। और अगर आप देखें तो अब से 30-40 या 50 साल पहले नासा या अलग अलग लेबोरेटरीज बनी, अब वो बता पाती है कि फलाने दिन से हमारे पंचांग में एक मामूली सा एक गांव में बैठा हुआ जो ब्राह्मण होता था, जिसने सिर्फ छोटी सी गुरुकुल में शिक्षा ली होती थी, वो 100-200-500-1000 साल पीछे के कब कब सूर्य ग्रहण लगे वो बता देगा, और आने वाले 100-200 सालों में कब कब सूर्य ग्रहण लगे, कब चंद्र,
सब चीजों के बारे में जो अपने ज्योतिष है, जो अपना ये खगोल विज्ञान है, उसमें बहुत ही डिटेल में लिखा है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी साइंस कितनी डेवलप थी। पर दोस्तों, अभी तक जो हमने आपको बताया वो यह था कि संस्कृत इतनी अच्छी भाषा है, संस्कृत का यूं नुकसान हुआ और संस्कृत में क्या-क्या खासियतें हैं। पर हम सब रिसर्च स्कॉलर्स हैं, हम सब लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम लोग कोई नेता नहीं है कि कोई शगुफा छोड़ के निकल जाएं और बाकी लोग सोचते ही रह जाएं कि इसका हल क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सम प्रॉब्लम, वी मस्ट हैव अ सॉल्यूशन इन आवर हैंड्स। तभी तो आज उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा निकला है। आपने संस्कृत भारती का नाम पता नहीं किसी ने सुना है कि नहीं सुना है। नहीं सुना हो तो आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो संस्कृत भारती नाम की एक संस्था है अपने देश की, और भारत सरकार भी उसको काफी मदद कर रही है, और वो संस्कृत को, संस्कृत के पठन पाठन लेखन और जो वदन जो बोलने में, इन सब पे काफी फोकस है उसका। और लगातार पूरे देश में उसके उसके शिविर चलते हैं, 10 दिन का संस्कृत संभाषण शिविर चलता है। और आप विश्वास मानिए, संस्कृत आपको कितनी भी डिफिकल्ट लग रही हो, कितनी भी मुश्किल लग रही हो, आपको सिर्फ 10 दिन में वो संस्कृत बोलना सिखा देते हैं, बशर्ते आप 10 दिन नियम से उस कैंप को अटेंड करें, उस शिविर को आप अटेंड करें। तो ये जो है जो संस्कृत भारती है, आप लोग इसको जरूर गूगल पे सर्च कीजिएगा, इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, उसमें ऑनलाइन रजिस्टर हो जाते हैं। आपका संस्कृत संभाषण शिविर जब भी होगा, या आप में से किसी की भी कभी इच्छा हो संस्कृत सीखनी है, तो आप संपर्क कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, हम आपके लिए इंतजाम करेंगे वो कि आप लोगों का 10 दिन का कैंप लगे, 10 के बजाय 15 दिन का भी लग जाए, पर संस्कृत बोलना आपको सिखाएंगे। आप जब कहीं, आप विश्वास मानिए, आप कहीं ट्रेन में जा रहे होंगे, किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े होंगे, या किसी शादी में गए होंगे, किसी प्रोग्राम में गए होंगे, कहीं आपके भाषण का समय है और आपने शुरुआत के 5 मिनट भी संस्कृत में बोल दिया, तो आप विश्वास मानिए, लोग आपके फैन हो जाएंगे, लोग आपको मानेंगे कि असल में विद्वान यही है। अंग्रेजी बोलने वाले को अब विद्वान नहीं माना जाता है। अंग्रेजी तो आप अभी मांडू चले जाएं, आपको हम खजुराहो जाने का भी नहीं बोल रहे हैं, आप मांडू चले जाएं, मांडू में आपको अनपढ़ गाइड जिन्होंने 8वीं पास है वो भी अंग्रेजी में पढ़ा लेते हैं, जर्मन बोल लेते हैं, वो फ्रेंच बोल लेते हैं, लैटिन बोल लेते हैं, रशियन बोल लेते हैं, तो इन भाषाओं में वो, उनको मालूम है कि ये टूरिस्ट इस भाषा का है, तो उससे उस भाषा में बात कर लेते हैं। तो अंग्रेजी बोलना बड़ी बात नहीं है, आप संस्कृत बोलना ज्यादा बड़ी बात है। आप कहीं संस्कृत में बात करेंगे तो आपको लोग बहुत सम्मान से देखेंगे, आप विश्वास मानिए, संस्कृत के प्रति पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ रहा है। जर्मनी में तो कुछ यूनिवर्सिटी संस्कृत को कंपल्सरी कर रखा है, उनको समझ में आ गई है जर्मनी को। इंग्लैंड में भी कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे पहली से संस्कृत पढ़ाई जा रही है, और हमारे देश में 6 से पढ़ाई जाती है, 6ठी से पढ़ाई जाती है। तो ये अंतर है हम में, और वेस्ट के लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि उन्हें उनके लिए क्या अच्छा है और उसका तुरंत इस्तेमाल कर लेते हैं, और हम लोग उन्हीं के बहकावे में आ जाते हैं। या हमारे यहाँ जो वामपंथी लोग हैं, हमारे यहाँ जो ऐसे लोग हैं जो देश की उन्नति नहीं चाहते हैं, वो लोग हमको भड़का देते हैं और हम उनके भड़काने में आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप लोग इस संस्कृत भारती नाम का जो वो है, उसको सर्च कीजिए, बिल्कुल पूरे तरीके से निशुल्क है, कहीं किसी का कोई हित नहीं है उसमें, बस उनका मुख्य उद्देश्य है संस्कृत को बढ़ावा देना, संस्कृत लोग घरों में बोले, संस्कृत लोगों के बोलने चालने की भाषा बने। और आप विश्वास मानिए, अगर इस देश को विश्व गुरु बनाना है, आप चाहते हैं कि भारत फिर से उसी परम वैभव पे पहुंचे, तो आपको संस्कृत के प्रति वो समर्पण दिखाना पड़ेगा। और अगर आपने संस्कृत बोलना लिखना पढ़ना और संस्कृत में सोचना भी जिस दिन शुरू कर दिया, उस दिन आपकी सोच अनलिमिटेड हो जाएगी, उस दिन आपके मस्तित्व का, आपके मस्तिष्क का, आपके व्यक्तित्व का और आपकी विचारधारा का जो विकास होगा, उसकी कोई सीमा नहीं होगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और अनिकेत जी से निवेदन है कि वे धन्यवाद प्रस्ताव दें। सर नमस्कार। सर सभी को बहुत बहुत नमस्कार और दशहरे की शुभकामनाएं। बहुत ही सर सार गर्भित और बहुत ही ज्ञानवर्धक आपका यह सेशन रहा सर, और काफी आपने ज्ञानवर्धक चीजें हम लोग को बताई संस्कृत भाषा के बारे में और देश किस तरह इस संस्कृत भाषा का प्रयोग करके विकसित हो सकता है। इसमें एक बात मैं अपनी जोड़ना चाहता हूँ कि
कि एक महर्षि कणाद भी थे जिन्होंने खगोली खगोल के शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया और गैलीलियो के पहले ही उन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जिस तरह से आपने बताया कि कुछ आक्रांताओं ने हमारे यहाँ के नॉलेज को अपने यहाँ ले जाकर अपना नॉलेज बताकर उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीत लिए, जो नॉलेज पहले हमारे यहाँ पे पहले से ही मौजूद था और उन्होंने अपने अपने यहाँ के नॉलेज को ले जाकर अपना खुद का बताकर उन्होंने नोबेल पुरस्कार ले लिया और अपने भारतीयों को पीछे कर दिया। तो इसका सबसे बड़ा कारण था क्योंकि हमने अपनी भाषा जो थी, हमारी भाषा का इज्जत, भाषा का जो एक सम्मान होता है वो हमने नहीं सीखा। दक्षिण कोरिया के, जापान के, चाइना के, वो कभी भी अंग्रेजी में बात नहीं करते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ वहां कोई भी व्यक्ति आएंगे वो अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे। आज वो हमसे 40 गुना आगे हैं, वो देश टेक्नोलॉजी में बोलिए, साइंस में बोलिए, संस्कृति में, कल्चर में बोलिए, वो हमसे 40 गुना आगे हैं वो देश, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा को कभी नहीं छोड़ा। उनकी जो मूल भाषा थी, चाहे चाइनीज बोल लीजिए, चाहे जापानीज बोल लीजिए, कोरियन भाषा बोल लीजिए, उन्होंने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसके लिटरेचर भी उन्होंने उसमें बनाए, जिसको पढ़ना है वो भाषा सीखे और पढ़े। तो इससे आपको देखिए कि उन देशों की विकास दर इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि उन्होंने भाषा का हमेशा सम्मान किया जी। और हम लोग ने हमारी भाषा को हमेशा निचले स्तर पर लाके बात की और हमने दूसरों की भाषा अपनाने पर ज्यादा जोर दिया और अपनी भाषा को अपनाने में हमने हमेशा अपने आप को गिरा हुआ समझा। इसलिए आज ये वक्त हमारे लिए है कि हम अपनी भारतीय भाषाओं को उन्नत रूप से विकसित करें, उसमें ही हम बात करें, हमारी प्राचीन भाषाओं, प्राचीन सभ्यताओं पर हम गर्व करें और उसको हम आगे ले जाएं, जिससे दूसरे प्रेरित हो, दूसरों को अगर हमसे काम पड़ेगा तो वो ये भाषा सीखेंगे और उस भाषा में हमसे वो संवाद करेंगे। तो हमें इस ऊंचाई पे हमारे देश को फिर से ले जाना है, इस ऊंचाई पे देश को ले जाके इसको विश्व गुरु वापस बनाना है। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद कि यह विषय आपने रखा और आगे भी इसी विषय पर हम आपसे अब बहुत सारी बातें सुनना चाहेंगे क्योंकि अभी समय की कमी थी, कम लोग जुड़े थे, पर आगे हम विस्तार जी। एनके जी आगे आवाज नहीं आ रही, आपका म्यूट है। आगे विस्तार में और भी इस विषय पर सर आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का ही ध्येय वाक्य आप देखिए सर, सभी विश्वविद्यालयों, चाहे IIM का हम इंदौर की बात करें, सिद्धि मूलम प्रबंधनम संस्कृत में ध्येय वाक्य लिखा हुआ है। हमारी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी स्वयं की यूनिवर्सिटी का अत्त दीपो भव, जो पाली भाषा संस्कृत भाषा लगभग समान भाषाएं होती है उसमें ही, क्योंकि सभी जितने भी एकेडमिक संस्थान है या सेना की जितनी भी रेजिमेंट्स हैं उनके आप ध्येय वाक्य देखिए संस्कृत में ही लिखे गए हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति, उनकी प्रादुर्भाव संस्कृत से ही हुआ है सभी का। तो कहीं ना कहीं ये भाषा हमारे लिए एक समृद्ध भाषा है और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको सबके साथ में प्रयास करना पड़ेगा। और मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये मंच देकर हमें आपस में डिस्कशन करके और बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करने के लिए प्रेरित करने के लिए हम लोग को सबको उत्साहित किया है। इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय का धन्यवाद और सारे एल्यूमिनाई, सारे स्टूडेंट्स का धन्यवाद जिन्होंने अपना समय आज निकाला, महत्वपूर्ण समय निकाला ये त्यौहार होते हुए भी। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सारगर्भित और ज्ञानवर्धक बातें हम लोग को आज सिखाई, इसलिए मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और अगले व्याख्यान के लिए मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हों और अपने बातों को भी रखें और ज्ञानवर्धक बातें भी सुने। धन्यवाद सर। एडमिन साहब बंद कर दिया जाए। जवाब दे सर जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर।